राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे वेटनरी सर्जरी का एक और छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 2016 में 2018 में पशुधन सहायक भर्ती में वहाँ से सवाल आए हैं हर बार, और वो टॉपिक है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ वुंड, घाव के प्रकार, कि घाव कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि घाव होता क्या है। जैसे सवाल फ्रैक्चर क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो घाव है क्या, तो आपको याद रखना चाहिए स्किन व मांसपेशियों की निरंतरता में भंग। स्किन मांसपेशियों या यहां पर लिख सकते हैं या कोमल ऊतकों की, प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, स्किन मांसपेशियों या कोमल ऊतकों की निरंतरता में भंग को क्या बोलते हैं, वूंड या घाव बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां कोमल ऊतकों की जगह आ जाता कठोर ऊतक, जैसे अस्थि और उपास्थि। तो शरीर के कठोर ऊतकों जैसे कि बोन, दांत, उपास्थि की निरंतरता में भंग हुआ तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्चर। कठोर ऊतक है तो फ्रैक्चर आएगा, और कोमल ऊतक लिखा हुआ है तो उसमें उत्तर आएगा वूंड यानी घाव। ये अंतर है फ्रैक्चर और वूंड में। अब टाइप कितने हैं, तो इनको दो भागों में बांटा है प्यारे विद्यार्थियों, कि एक प्रकार का घाव तो होता है ओपन वूंड्स, और एक प्रकार का घाव क्या हो सकता है, क्लोज्ड यानी बंद घाव। ओपन वूंड का मतलब खुला घाव, और क्लोज्ड वूंड का मतलब बंद घाव। तो ओपन वूंड का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा घाव जो बाहर से खुला हो यानी उसकी ओपनिंग दिख रही हो, त्वचा में से मांसपेशियों में से बाहर उसकी ओपनिंग जो छिद्र है वो दिख रहा हो, तो इस प्रकार के घाव होते हैं ओपन। और ऐसे घाव जिनकी ओपनिंग हमें दिखाई नहीं देती कि वो किधर से घाव का ओपनिंग या छिद्र किधर से है, तो वो घाव कहलाता है क्लोज्ड। अब ओपन घाव भी बहुत प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वन बाय वन आपको मैं समझाऊंगा। ओपन घाव में सबसे पहले ले लीजिए आप इनसाइज्ड वूंड, वूंड आप सबके लगा दीजिए इनसाइज्ड वूंड। और इनसाइज करने का मतलब आप समझना प्यारे बच्चों, इनसाइज का मतलब होता है काटना। इनसाइज वूंड क्या होता है, जब कोई सी तीखी वस्तु से या तीखी वस्तु से जब कोई कट जाए, तीखी वस्तु से जब कोई कट जाए तो वो क्या कहलाता है, तीखी वस्तु से कट जाए जैसे ब्लेड। प्यारे बच्चों, कभी कभी होता है हम सर्जरी कर रहे होते हैं उस समय भी सावधानी ले लेते हैं, तो ब्लेड से अपना हाथ कट जाता है। तो इस प्रकार तीखी वस्तु से जो चीरा लगा, जिसे हम कहते हैं ना चीरा लगना, तो चीरा लगना किस प्रकार का घाव है, इनसाइज्ड वूंड का उदाहरण है। फिर दूसरा आ गया अपने उदाहरण में पंक्चर्ड वूंड, और आपने पंक्चर नाम से याद आ गया होगा कि भी बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी तो साइकिल बहुत बार पंचर हुई होगी। तो पंचर होने, और वो साइकिल पंचर किससे हुई, छोटी आलपिन से या कांटे से या कील से, तो वही पंक्चर घाव। ऐसे याद रखना, ऐसा घाव जो कील से हो या आलपिन से हो या छोटी सुई से हो या कांटे से हो, बात हुई आ गई, पंक्चर होना कील से आलपिन से सुई से कांटे से जो घाव हो, और आपने देखा होगा इसकी ओपनिंग बहुत छोटी होती है,
जब सुई छुपी है आपके, तो इसकी ओपनिंग कितनी होगी? बहुत छोटी होगी प्यारे बच्चों। इसकी ओपनिंग कैसी होगी? इस घाव की ओपनिंग होगी बहुत ही छोटी। तो ऐसे घाव होते हैं पंक्चर वुंड, जिनकी ओपनिंग बहुत छोटी होती है लेकिन जख्म बहुत गहरा होता है। ओपनिंग छोटी हो मगर जख्म गहरा हो तो ऐसे घाव क्या कहलाते हैं? पंक्चर वुंड। तो आपके आ जाए सवाल, कोई डॉक्टर है वो असावधानी ली, गाय के इंजेक्शन लगा रहा था और गाय उछल गई, गाय को तो इंजेक्शन लगा नहीं और उसके खुद गई, वो लग गया इंजेक्शन, तो नीडिल लग गई डॉक्टर के, तो बताइए डॉक्टर को किस प्रकार का घाव हुआ? पंक्चर्ड वुंड। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, सावधानी होगी, जो सर्जिकल ब्लेड है उसे चीरा लग गया, तो बताइए किस प्रकार का घाव है? इनसाइज्ड वुंड। और फिर डॉक्टर को गुस्सा आ गया, उसने एक लठ लेके उस जानवर को यानी उस भैंस को पीटा मोटे लठ से, तो बताइए कैसा घाव है? तो लठ के पीटने से वो चमड़ी तो उधड़ेगी नहीं, घाव तो बंद ही रहेगा ना, ओपन तो होगा नहीं, तो इसलिए जो लकड़ी से पीटने वाला घाव क्लोज्ड घाव की श्रेणी में आएगा। मैं बताऊंगा आने वाले समय में इसके कौन से प्रकार हैं वो सारे। इसके बाद में प्यारे बच्चों पेनिट्रेटिंग घाव और पेनिट्रेटिंग घाव क्या होते हैं? पेनिट्रेशन होना यानी अंदर घुसना चाकू छुरे से। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, चाकू छुरे से होने वाला घाव किस प्रकार का घाव होता है? पेनिट्रेटिंग वुंड, उसमें चाकू और छुरा घुस जाता है अंदर, तो इसकी ओपनिंग भी थोड़ी बड़ी होगी और घाव भी गहरा होगा। तो बताइए ऐसा घाव जिसकी ओपनिंग भी बड़ी हो और घाव भी गहरा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पेनिट्रेटिंग वुंड। या सवाल इसे पूछ लिया जाए, चाकू या छुरे से होने वाला घाव कौन सा है, तो उसका जवाब भी होगा पेनिट्रेटिंग वुंड। इसके बाद में आ गया अपना परफोरेटिंग वुंड। परफोरेटिंग वुंड, परफोरेशन का मतलब होता आर पार, यानी ऐसा घाव हो प्यारे बच्चों जो आर पार निकल गया हो, जैसे भाले से और तलवार से। अब आपको पूछ लिया जाए, बताइए भाले या तलवार से होने वाला घाव किस प्रकार का घाव है? तो परफोरेटिंग वुंड। तो बताइए महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह को मारा या जिसको भी मारा, तो बताइए महाराणा प्रताप ने कौन सा घाव किया उसको? परफोरेटिंग वुंड, जिसमें घाव की ओपनिंग आर पार हो जाती है। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा घाव जिसकी दोनों तरफ से ओपनिंग हो, इधर से घुसा और उधर से निकला, जैसे गंगा पुत्र भीष्म के जो अर्जुन के तीर लगे, तो इधर से लगे और उधर से निकले, तो गंगा पुत्र भीष्म को किस प्रकार के घाव हुए? परफोरेटिंग वुंड। तो आपको बताना है, तो बताइए ब्लेड से होने वाला घाव इनसाइज्ड वुंड, कील सुई से होने वाला घाव पंक्चर्ड वुंड, चाकू छुरे से होने वाला पेनिट्रेटिंग वुंड और भाले तलवार से होने वाला परफोरेटिंग। बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, और इसकी ओपनिंग दोनों तरफ से होती है या घाव आर पार हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। इसमें ओपनिंग छोटी है, गहरा जख्म है, इसमें ओपनिंग थोड़ी बड़ी है और गहरा जख्म है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको लिखना भी चाहिए ताकि आपको याद रह सके, और क्लास को बार बार देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगला जो प्रकार है लेसरेटेड वुंड, और लेसरेटेड वुंड या लेसरेटेड घाव क्या होता है? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जिस घाव की सतह उबड़ खाबड़ हो, जिस घाव की सतह उबड़ खाबड़ हो, जैसे वही आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होगा किससे, फिर फेंस वायर्स, फेंसिंग वाले जो वायर्स हैं आपने देखा होगा, जो लोग काश्तकार लोग अपने खेतों के चारों ओर फेंसिंग वायर लगा देते हैं, और बकरियां चरते चरते उनमें कुछ चरने के लिए वो कूदती हैं तो बकरी का बोबा फट जाता है या बकरी की कोई चमड़ी फट जाती है, तो वो ऐसे घाव को कहते हैं लेसरेटेड, क्यों? उसमें जब वो फेंस वायर से ऐसे कटेगी, वो तार भी ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, तो चमड़ी को उबड़ खाबड़ तरीके से फाड़ देता है। तो ऐसे घाव जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, और ये होते किससे हैं? ज़्यादातर फेंस वायर से। तो बताइए फेंसिंग वायर से होने वाला घाव किस प्रकार का घाव होगा? लेसरेटेड वुंड।
और जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है वो घाव घाव कौन से होते हैं, लेसरेटेड वुंड। इसके बाद में आ जाइए प्यारे बच्चों गन शॉट वुंड, इसके बारे में समझ नहीं जाता, गन से ही समझ में आ गया होगा, बंदूक से, बंदूक की गोली से होने वाला घाव क्या होता है, गन शॉट। आपने गन से शूट किया, गन शूट वुंड, बंदूक की गोली से होने वाला घाव, और जब उसकी गोली उसके सीने के आर पार हो जाए, इस प्रकार के घाव को हम क्या बोलते हैं, गन शॉट वुंड। इसके बाद में प्यारे बच्चों सेप्टिक वुंड, सेप्सिस से समझ में आ जाना चाहिए, जहां संक्रमण हो। सेप्सिस वुंड क्या होता है, ऐसा घाव जो संक्रमण युक्त हो, जिसमें रोगाणु पैदा हो गए हों। जब रोगाणु में क्या है, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ, तो सेप्टिक वुंड क्या है, संक्रमण युक्त, ऐसा घाव जिसमें संक्रमण हो जाए। और ये कटने पटने के प्यारे बच्चों 6 से 8 घंटे बाद, कभी कभी ये भी सवाल आता है कि संक्रमण कब शुरू होता है, घाव हो हुआ आपको जैसे ही उसके 6 से 8 घंटे बाद। तो बताइए 6 से 8 घंटे बाद पुराना घाव किस प्रकार के घाव की श्रेणी में आएगा, सेप्टिक वुंड में। और इसका उल्टा देखे प्यारे बच्चों, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूं संक्रमण मुक्त, अभी इसमें संक्रमण नहीं हुआ है, ठीक है, संक्रमण नहीं हुआ है और 6 से 8 घंटे पहले का है घाव, होने से 6 से 8 घंटे पहले का घाव जिसमें अभी संक्रमण नहीं हुआ है, उस घाव को बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉन्टामिनेटेड वुंड, कॉन्टामिनेटेड घाव। कॉन्टामिनेशन तो हो गया, दूषित तो हो गया, लेकिन अभी संक्रमण फैलने में टाइम लगता है ना, तो ये दूषित घाव तो हुआ 6 से 8 घंटे पहले। तो मान लो कि आपका कोई घाव हुआ, 6 से 8 घंटे तक वो गंदगी लगती रहेगी उसके, लेकिन संक्रमण इतनी जल्दी पैदा नहीं होगा। प्यारे बच्चों संक्रमण पैदा होने के लिए कम से कम चाहिए 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे बाद उसमें संक्रमण होना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक वुंड। और 6 से 8 घंटे पहले वाला जिसमें संक्रमण तो नहीं हुआ लेकिन वो दूषित हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड वुंड। अब सेप्टिक का उल्टा ले लीजिए प्यारे बच्चों, सेप्टिक का उल्टा क्या हो गया, असेप्टिक। तो असेप्टिक वुंड क्या हुआ, इसका उल्टा संक्रमण युक्त है, इसका मतलब असेप्टिक वुंड ऐसा है जिसमें संक्रमण की संभावना नहीं है। और वो क्यों नहीं है संक्रमण की संभावना, क्योंकि आपने एकदम पूरा सैनिटाइज करके हाइजीनिक कंडीशन में आपने ऑपरेशन किया। असेप्टिक वुंड वो होता है जो शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है, जो सर्जन शल्य क्रिया द्वारा जो घाव करता है तो उसमें वो ग्लव्स भी पहनता है, इसके बाद में सैनिटाइज भी करता है, आयोडीन भी लगाता रहता है, तो इस प्रकार के घाव में संक्रमण कतई नहीं हो सकता। और इसीलिए शल्य क्रिया द्वारा किए जाने वाले घाव किसकी श्रेणी में आते हैं, असेप्टिक वुंड। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चों ग्रेनुलेटिंग वुंड, ऐसे घाव जो अभी भर रहे हैं, जिन्हें आपने देखा होगा घाव भरते समय खुजली चलती है जानवर को, घाव भर रही हो खुजली हो रही है, तो जब वो खुजली वाली अवस्था आ जाए जिसमें वो घाव भर रहा है, एकदम लालिमा आ रही है, एकदम धीरे धीरे खरूट आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलेटिंग घाव। अर्थात ऐसा घाव जो भरने की कंडीशन में, घाव भरने वाला भरने के समय, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेटिंग वुंड। तो ग्रेनुलेटिंग वुंड कौन सा वुंड होता है, जो घाव अभी भर रहा है, जिसके भरने का क्रम चल रहा है। और प्यारे बच्चों सवाल ये भी आता है कभी कभी, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो उसका जवाब है विटामिन सी। ये मैं विटामिन्स वाले पार्ट में भी आपको पढ़ाऊंगा। विटामिन सी से कोलेजन का निर्माण होता है, कोलेजन प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, विटामिन सी से। और कोलेजन प्रोटीन अपने जीवित ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो इसलिए विटामिन सी एक घाव भरने में सहायता प्रदान करने वाला विटामिन है, याद रखिएगा विटामिन सी। तो भरता हुआ घाव क्या कहलाता है, ग्रेनुलेटिंग वुंड। फिर इसका उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों, अल्सरेटिव वुंड।
अल्सरेटिव वुंड का मतलब हो गया ऐसा घाव जो भर नहीं सकता, अर्थात जो नासूर हो। वो कहते ना यार मारे तो नासूर हो गए वो घाव पिंडो ही छूट रही हो, परेशानी छूट रही को नहीं मार दो नासूर हो, यानी ऐसा घाव। अल्सरेटिव वुंड का मतलब नासूर यानी अर्थात ऐसा घाव जो भर नहीं सकता, जो भर नहीं रहा हो, इस प्रकार के घाव को क्या कहते हैं अल्सरेटिव वुंड। तो सवाल एग्जाम में आ जाए इस ऐसा घाव जो भर नहीं सकता हो या जो भर नहीं पा रहा हो या जिसकी हीलिंग नहीं हो पा रही हो उस घाव को क्या बोलते हैं अल्सरेटिव घाव। इसके बाद में प्यारे बच्चों आ गया मैगट वुंड, और मैगट वुंड का नाम सुनते ही आप सब खुश हो गए होंगे क्योंकि ये बहुत बार आप लोगों ने फील्ड में भी देखा होगा, बहुत सारे आर्टरी फोर्सेप से आपने कीड़े ही कीड़े निकाले होंगे। तो प्यारे बच्चों बताइए कोई किसी को बद्दुआ दे कि जा तेरे कीड़े पड़ेंगे तो बताइए वो किस प्रकार का घाव होने की बद्दुआ दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए वो मैगट वुंड होने की बद्दुआ दे रहा है। मैगट वुंड का मतलब कीड़ों का घाव जिसमें कीड़े हों, ऐसे घाव जिसमें कीड़े हों उसको हम क्या कहते हैं मैगट वुंड। और कीड़े आगे से आगे ब्लड को चूसते हैं खाते हैं तो ये कैसी संरचना बना लेते हैं छत्ते जैसी संरचना बना लेते हैं, तो ये हनी कोम्ब जैसी संरचना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना। अगर पेट के बारे में पूछा जाए स्टोमक का कौन सा भाग है जो हनीकॉम्ब जैसा है तो उसका नाम है रेटिकुलम, लेकिन यह पूछा जाए ऐसा कौन सा घाव है जिसकी संरचना हनीकॉम्ब जैसी है तो बता दीजिए मैगट वुंड। तो जो कीड़ों का घाव है उसे मैगट वुंड कहते हैं, और ये छत्ते जैसी या हनीकॉम्ब जैसी संरचना इसके अंदर होती है इस मैगट वुंड के अंदर। ये ध्यान रखने वाली बात है कीड़ों के कारण होने वाला ये घाव है। इसके बाद में प्यारे बच्चों डॉग बाइट वुंड यानी कुत्ते के काटने से जो घाव हो, कुत्ते के काटने से। प्यारे बच्चों आजकल के कुत्ते तो बड़े जानलेवा साबित हो रहे हैं, उनको खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करते हैं घरों में काश्तकारों के घुसते हैं, कोई नीचे से कोई ऊपर से, और बकरियों को अपना आहार बना लेते हैं, खा जाते हैं, कभी बकरी की पूंछ खा जाते हैं, कभी गला खा जाते हैं, कभी कभी तो पूरी पूरी बकरी को ही फाड़ देते हैं। तो इस प्रकार के जो घाव होते हैं जो कुत्ते के काटने से होते हैं उनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों डॉग बाइट वुंड। तो ध्यान रखना ये डॉग के नाम से मुझे अपने कॉलेज लाइफ की एक शायरी भी याद आ गई कि उसकी गली के चक्कर लगाते लगाते कुत्ते भी यार हो गए, उसकी गली के चक्कर लगाते लगाते कुत्ते भी यार हो गए, वो तो हमारे हो न सके पर हम कुत्तों के सरदार हो गए। तो कुत्तों के या तो सरदार बन जाओ तो फिर कुत्ते उसे काटेंगे नहीं। तो ये भी पता है कुत्ते बड़े समझदार होते हैं, जो आदमी रोज़ बार बार आता है उसको ये नहीं काटते हैं, नए आदमी को काटते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ कमी क्या करते हैं वो मैं पूरी बता देता हूँ। कुत्ते के काटने वाला घाव आम घाव है जो अपने घरों में काश्तकारों में बार बार होता रहता है, हमारे पास भी ऐसी खूब हिस्ट्री आती है। तो वो क्या करते हैं कुत्ते ने जहाँ पर काटा है उस जगह प्यारे बच्चों क्या लगाते हैं लाल मिर्च। अब आपको हंसी आएगी कि बताइए लाल मिर्ची, आज थोड़ी पेन इंक में थोड़ी स्याही कम है, और इस कोरोना काल में क्या है कि अभी दुकानें बंद है, स्टेशनरी की दुकानें कई दिनों से यहाँ नहीं खुली हैं, तो इसलिए आज के लिए थोड़ा मुझे खेद है कि मैं ज़्यादा इंक वाली ये पेन काम में नहीं ले पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे ही वो दुकानें खुलेंगी इंक वाली तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, आज आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत बहुत मुझे खेद है क्योंकि हमने सब जगह देखा कहीं भी इंक नहीं मिली, इस कोरोना काल में दुकानें बंद हैं। तो अब देखिए लाल मिर्च दिख रहा है आपको, दिखने की क्या जरूरत है, सुन रहा है ना मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो कुत्ते का जो घाव है उस घाव में मिर्ची लाल मिर्ची ठूंस देते हैं, वो सोचते रहे यार लाल मिर्ची एंटी रेबीज का काम करती है, रेबीज वायरस को मारती है, भगवान जाने उन्होंने कहाँ से लाया, लेकिन वो लाल मिर्ची लगाते हैं बेचारे को और जलन पे और जलन। इसके बाद में वहाँ चूना भी लगाते हैं प्यारे भाइयों, कई कई तो कुत्ते के काटी हुई जगह पे चूना भी लगाते हैं, थोड़ा सा चूना तो खुद लगा के अपना वो जर्दा लगा लेते हैं,
और फिर बचा हुआ चूना उस कुत्ते के काटे हुए घाव पे लगा देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, अब क्या करें ऐसे लोग, तो लाल मिर्ची लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं, लगाते जाओ। और जब फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आ जाओ आप तो दो इंजेक्शन लगा जाओ, बाकी काम तो हमने कर दिया। हम बोलते ना क्या किया, बस वही लाल मिर्ची लगा दी, चूना लगा दिया। तो ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कुत्ते के घाव में क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। एक तो लाल मिर्ची नहीं लगाना, एक चूना नहीं लगाना, और चूना तो कुत्ते के घाव के नहीं, जिंदगी में चूना किसी के भी नहीं लगाना, ये याद रखिए, चूना किसी के भी नहीं लगाना। तो लाल मिर्ची, चूना नहीं लगाना, और सबसे बड़ी बात सूचरिंग नहीं करना। कुत्ते के काटा हुआ जो घाव है उस घाव में कभी भी सूचरिंग यानी टांके नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि रेबीज का जो वायरस है प्यारे बच्चों, न्यूरोट्रोपिक वायरस है, वो नर्व जो तंत्रिका कोशिकाएं उनके माध्यम से मस्तिष्क तक चला जाता है, और जब ये मस्तिष्क में पहुंच गया तो ये डेडली डिजीज है, उसको मरना ही पड़ता है। टांका खींच कर लगाएंगे तो वो क्या होगा, दबाव के साथ में और आगे जाएगा ब्रेन तक, इसलिए उसको खुला ही रहने दो ना, आपका क्या जा रहा है। तो मिर्ची नहीं लगाना, चूना नहीं लगाना, टांका नहीं लगाना, ये तीन चीजें आपको नहीं लगानी। फिर करना क्या है, सबसे पहले लाइबॉय से, जिसमें कार्बोलिक एसिड साबुन हो, कोई भी फिनोलिक साबुन हो, फिनोलिक सोप, उससे रगड़ रगड़ के झाग बना बना के उसको धोना है। कुत्ते के घाव को सबसे पहले साबुन के घोल से धोना है, फिर उसके बाद में उसके आयोडीन लगाना है, फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक लगाना है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको पता चल जाए कि कुत्ता पागल है या उसको रेबीज है, या नहीं भी चले तो भी अपनी सुरक्षा के लिए, पशु की सुरक्षा के लिए, 0 0, अब कोई सा ही नहीं चल रहा है, देखिए 3 0 3 7 14 और 28, 0 3 7 14 और 28, ऐसे 5 डोज लगती है पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल। कुत्ते के काटने के बाद का ये शेड्यूल है, 1 ml आता है, रक्षा रेब आता है। तो रक्षा रेब आता बहुत सारे कंपनी, मेगा वेकार है, रक्षा रेब है, अपने तो यहाँ फील्ड में ज़्यादातर। तो 0 3 7 14 28 से 5 डोज लगती हैं। 0 का मतलब जिस दिन पशु को या आपको कुत्ते ने काटा उसको बोलते हैं 0 दिन। फिर उसके बाद गिनती करते जाइए, 3rd दिन 7th दिन 14th दिन और 28th दिन, ऐसे 5 डोज आपको रेबीज वैक्सीन की लगानी है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीन। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो जोर जोर से घिसते भी पेन भी शायद ख़त्म हो गई है। फिर हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक स्टेशनरी की दुकानें भी खुल जाएंगी। हमारे रिंगस के इलाके में भी क्या है, थोड़ा ज़्यादा पहरा है पुलिस का, और दुकानें खोलने में नहीं दे रहे, स्टेशनरी दुकानों को इमरजेंसी की श्रेणी में नहीं रखा है, इसलिए ज़्यादातर स्टेशनरी वाले बंद पड़े हैं। पहले की जितनी शाही थी वो सब खत्म हो गई, आज ये 2 ही पेन थे ये भी खत्म हो गए, लेकिन आप लोगों की सेवा में हमने ऐसे बोल बोल के पढ़ाने का प्रयास किया आप लोगों के हित के लिए। लेकिन मुझे खेद है कि शाही ने पूरा साथ नहीं दिया, लेकिन हम फिर अगली क्लास मिलेंगे, एक अच्छी शाही के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपका।